Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी मैंगो चीज केक है, जिसे हम घर पर आसान तरीके से बनाएंगे। ये स्वीट डेजर्ट आप अपने आने वाले त्योहारों में या पार्टी में गेस्ट के लिए बनाएं। स्वीट सिल्की स्मूथ टेक्सचर रेसिपी आपकी तारीफ कराएगा, तो बिना देर किए हुए आइए बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले हमें उसका बेस बना लेना है, और बेस बनाने के लिए यहाँ पे हमने बिस्किट लिया है। बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, घर में अगर कोई कई तरह की बिस्किट पड़े हो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कई तरह के मिक्स मीठे वाले बिस्किट हमने इस्तेमाल किया है। गुड्डे है इसमें, डाइजेस्टिव है, इस तरह से करके दो तीन तरह के मेरे पास बिस्किट पड़े हुए थे, उनका चूरा हम बना लेंगे। और चूरा बनाने के लिए हमें इन्हें हमें क्रश कर लेना है, इनका क्रम हम इस्तेमाल करेंगे। और एक मिक्सी के ब्लेंडर में डाल लेना है हमें जार में, और इन्हें हमें अच्छे से एक फाइन पाउडर बना लेना है। और फाइन पाउडर बनाने के बाद इसका बेस हम बनाएंगे। तो आप इसको मैंगो चीज केक बनाने के लिए कोई भी आपके घर में बिस्किट पड़ा हो आप सारा मिक्स भी ले सकते हैं, और सिंगल फ्लेवर में भी आप बिस्किट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कई तरह का मेरे पास बचे हुए बिस्किट थे उसको हमने लिया है, और इसे हमें मिक्सी ब्लेंडर में एक बार इसको क्रश कर लेना है अच्छे से, इनका क्रम बना लेना है हमें इस तरह से। ये हमारा सारा बिस्किट पिस गया है। आप गुड्डे भी बिस्किट ले सकते हैं, आप डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बच्चों के खाने के लिए आपके खाने के लिए रखा हो कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं। और उन्हें अगर आप मिक्सी में नहीं पीसते हैं तो एक पॉलीथीन में डाल करके अच्छे से उसको रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है उससे क्रश कर ले। कहीं एक आध मोटा रह गया है तो उसे हमें निकाल देना है। अब इसमें हमें 2 से 3 चम्मच बटर डालना है। बटर मेल्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। हमने यहाँ पे 2 चम्मच बटर डाला है, और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये अच्छे से मिल गया है। मिक्स हो गया है। अब इस तरह से हमें एक मोल्ड केक का मोल्ड ले लेना है। केक टीन आप ले लेंगे, साइड से खुलने वाला जो केक टीन आता है वो आप ले लें, बहुत ही इजी रहता है, आसानी से आपका वो चीज केक आपका निकल जाएगा। मेरे पास नहीं था, हमने नहीं लिया है, हमने यहाँ पाई टीन का इस्तेमाल किया है। और पाई टीन में हम इस केक को बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे। वैसे बटर लगाने के बाद ये बिस्किट का जो चूरा है ये डाल देंगे। यहाँ पे हमने 15 से 20 बिस्किट का इस्तेमाल किया है, और इन्हें अच्छे से बराबर करते हुए प्रेस कर लेना है, ताकि ये अच्छे से हमारा दब जाए। आप चाहे हाथ से कर लें या फिर स्पैचुला से, इस तरह से। इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है। जब ये हमारा बराबर हो जाएगा इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है, ताकि ये हमारा सेट हो जाए। और सेट होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है मैंगो चीज केक बनाने का, फिर आगे हम आपको बताएंगे। किनारों से भी अच्छे से हमें इसको प्रेस कर देना है, ताकि हम जब दूसरी लेयर लगाएंगे और हम कट करेंगे तो हमारा ये केक खराब ना हो।
इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। अब इन्हें हमें 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेना है और फ्रिज में 20 मिनट के रखने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, बिस्किट को सेट हुए, हमने यहाँ पे पाई वाला टीन निकाल दिया है। हमारे पास केक टीन साइड से खोलने वाला नहीं था, इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट शीट ले लिया है और इसको फोल्ड करके हमने टेपिंग कर दिया है और इस तरह से ये हमारा केक कंटेनर बन गया है और उसमें हम केक को सेट करेंगे। तो ये हमारा बिस्किट 20 मिनट में सेट हो गया है। अब आगे का प्रोसेस में यहाँ पे हमने इसको सेट करने के लिए इसमें व्हिप क्रीम जाएगा, चीज जाएगा और इसके अलावा कंडेंस मिल्क जाएगा और वनीला एसेंस इसमें जाएगा दूसरी वाली लेयर में। तो इसको व्हिप क्रीम हमने ले लिया है और यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप हंकड़ ले लें, आप दही ले लें, दही को रात भर छन्नी में रख दें या तो फिर मलमल के कपड़े में टांग दें तो खूब अच्छे से आपका एक क्रीमी टेक्सचर में क्रीम तैयार हो जाएगा, तो आप उसको ले लें। हमने यहाँ पे क्रीम चीज की जगह हंकड़ लिया है, हंकड़ को हमने 5 से 6 घंटे के लिए छन्नी में डाल दिया था, उसका पानी ड्रेन हो गया और अच्छी सी तरह से हमारा ये क्रीमी टेक्सचर में ये हंकड़ तैयार हो गया है। ये हम क्रीम चीज की जगह इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास क्रीम चीज है तो आप क्रीम चीज डाल लें, हमारे पास नहीं था तो हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है और इसमें हमें कंडेंस मिल्क जाएगा और वनीला एसेंस। तो उससे पहले हमें इन व्हिप क्रीम की लेयर को सेट करने के लिए इसमें हमें चाइना ग्रास डालना है और चाइना ग्रास हल्के गुनगुने पानी में हमें घोल लेना है इसको। यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच हमने अगर लिया है, इसको गर्म पानी में हमें मिक्स कर लेना है, हल्के गुनगुने पानी में हमें इसको मिक्स कर लेना है। ये सेट करने के लिए काम आता है, किसी भी चीज को अगर आप रेसिपी बना रहे हैं उसको सेट करने में ये काम आता है। ये जनरल स्टोर पे आराम से आपको या बेकरी पे आपको मिल जाएगा। जेलेटिन या चाइना ग्रास के नाम से आता है। इस तरह से इसको हमें किनारे रख लेना है। अब हमें व्हिप क्रीम ले लेना है और व्हिप क्रीम में हमें 3 से 4 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि नेचुरल हमारा मैंगो में भी अच्छे से शुगर होता है और कंडेंस मिल्क में भी शुगर होता है। अब इसमें ये यानी क्रीम डाल देनी है हमें और इन्हें हमें एक बार मिक्स कर लेना है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप कंडेंस मिल्क के साथ साथ शुगर भी 2 स्पून डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे शुगर एक्स्ट्रा नहीं डाला है क्योंकि मैंगो में भी शुगर होता है। इसके बाद की लेयर हमें मैंगो की लेयर लगानी है। अब ये हमारा मिक्स हो गया है, अब इसमें हमें ये चाइना ग्रास डाल देना है। 1 चम्मच बाद में हम इसको लेंगे। मैंगो पल्प हमने निकाला है, 3 से 4 हमने आम ले लिया है, ये 500 ग्राम आम है, इसकी प्यूरी हमने बना ली है और इस प्यूरी में भी 1 चम्मच चाइना ग्रास जाएगा ताकि ये सेट हो सके ऊपर। अब इसमें चाइना ग्रास भी हमें मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा कंडेंस मिल्क, चाइना ग्रास, व्हिपिंग क्रीम अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पे हम प्यूरी और ये क्यूब में आम कटा हुआ इसकी लेयर हम ऊपर लगाएंगे लास्ट में और ये प्यूरी हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पे हम एसेंस लेंगे, वनीला एसेंस, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और एक इसकी लेयर हमें बिस्किट वाले पे फर्स्ट लेयर पे हमें डालनी है और उसको डालने के बाद हमें 20 मिनट के लिए 20 से 30 मिनट के लिए हमें फ्रीजर में रख देना है, सेट हो जाएगा। फिर ये मैंगो प्यूरी वाला लास्ट लेयर हम डालेंगे। अब यहाँ पे
ये बिस्किट वाला लेयर ले लेंगे और इन पे हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ ये हमारा मैंगो चीज केक बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से ये चारों तरफ से इसकी लेयर हम बराबर में कर लेंगे। जब ये हमारा सेट हो जाएगा इसे हमें निकाल लेना है इस तरह से। अब इसको हमें 20 से 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। तो आइए इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं। 30 मिनट हो गया है, इसको सेट हुए हमारा व्हिपिंग क्रीम वाली लेयर। अब इसे हमें इस पे तीसरी लेयर लगानी है। अब तीसरी लेयर हमें यहाँ पे मैंगो प्यूरी की लगाएंगे और उसके लिए हमें हल्के गुनगुने पानी में हमें अगर अगर एक चम्मच चाइना ग्रास जिसको कहते हैं एक चम्मच ले लेंगे। हम उसी कटोरे में इस्तेमाल कर बना रहे हैं जिसमें अभी हमने पहले व्हिपिंग क्रीम के लिए तैयार किया था और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे मैंगो प्यूरी में डालने के लिए एक चम्मच चाइना ग्रास लिया है और इन्हें हल्के गुनगुने पानी में हमें मिक्स करना है और इन्हें हमें ये मैंगो वाले प्यूरी में डाल लेना है और इसमें एक से दो चम्मच हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। हमने बड़े वाले चम्मच से दो चम्मच कंडेंस मिल्क डाला है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया है। अब हमें ये जो हमने लेयर तैयार करके रखी थी अब इस पे हमें धीमे से डाल देना है। अब इस पे हमें ये जो हमने क्यूब में काट के मैंगो रखा है इसको डाल देंगे। अब हमें फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए रखना है और 5 घंटे के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद ये हम निकाल देंगे ये सीड्स और हमारा केक चीज केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए इसको फ्रीजर में रख देते हैं 5 घंटे के लिए। मैंगो चीज़ केक हमारा तैयार है। देखने में इसकी एक एक लेयर इस केक को अलग बनाता है। खाने में एक एक बाइट नीचे बिस्किट का क्रंच और ऊपर से स्मूथ सिल्की और ठंडा ठंडा इसका स्वाद 10 गुना बढ़ा देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस इसको बनाने में ध्यान रखें कि इसका मेजरमेंट का ख्याल रखना है आपको। आपको हमारी मैंगो चीज़ केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का बच्चों का बुजुर्गों का ख्याल रखें और साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ध्यान रखें। उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू।